बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूबर। गाइस, आप देख रहे हैं इस वक्त ज़की ग्राफिक। तो आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त जो है वो एन लेटर लोगो जो है वो आज क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है। सो आपके जो फेवरेट कलर है आप पहले उनको क्रिएट कर लें, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आप मेरे वीडियो को एंजॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो को लास्ट में। तो गाइस थोड़ा सा पंगा है और इसलिए मैंने इसका स्केच पहले से रेडी कर रखा था ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम ना ले सकूँ। तो चलिए यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। तो यार थोड़ा सा है बट कोई बात नहीं, इसको करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। तो इसको हम करेंगे क्रिएट। तो आप लोगों को सारा प्रोसेस बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने करना है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर फिनिश करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल को लेंगे और इसमें कोई कलर फिल करेंगे और यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ऊपर लेके चलेंगे और यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे इसको, ठीक है। ओके दैट्स इट। तो इसको भी फिल कर लेते हैं। तो इतना किया और करने के बाद अब इसको पहले तो मैं देख लेता हूँ, इसको यहाँ पे जो है वो इसकी सारी सेटिंग कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके। तो ये 3D हमने टाइप बनाना है, ग्रेडियंट लोगो जो है 3 टाइप लगे, ठीक है। तो ओके यहाँ पे, और इसको भी कर लेते हैं। तो अगर तो आपका स्केच अच्छी तरह जो है वो क्रिएट हुआ तो आपका लोगो भी जो है वो परफेक्ट जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, केयरफुल रह के अपना स्केच रेडी करना है सबसे पहले। अब एक लेयर को मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा, यहाँ से, ठीक है। एक लेयर को यहाँ से हम लोगों ने क्रिएट कर लेना है। ओके, तो आपने ब्लैक कलर को इस तरह फिल कर लेना है। अब यहाँ पे सारे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लेते हैं एक लेयर को, सेकंड वाली को, ठीक है। इसमें कलर फिल कर लें। इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसमें कितनी लेयर्स को क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये सारे को आप लोगों ने फिल कर लेना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया थोड़ा सा पंगा, बट लोगो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और यहाँ पे भी ओके है। अब हमने लास्ट जो है वो हमने क्रिएट करनी है ये वाली लेयर को, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, इसको इसको। बट यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाला जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे। ओके, अब इसको सेलेक्ट किया और शेप टूल को लिया, इसमें कोई भी कलर फिल किया। तो अब इसमें हम ओके है। अब तो यहाँ पे भी ओके है, यहाँ पे भी ओके है। और तो अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई ओके भाई गाइज, एक मेरे पास 1 लेयर है, 2 लेयर है, 3 लेयर है और 4 लेयर है, ठीक है। तो ये रह गया था, इसको भी क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ओके दैट्स गुड। तो गाइज आप लोगों ने केयरफुल रह के वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको करेंगे अनग्रुप करेंगे और इसमें कलर फिल करेंगे अपनी पसंद का, ठीक है। तो 1 लेयर, 2 3 4, 1 2 3 4। और यार ये रह गया था, इसको भी कर लेते हैं इसके साथ अटैच, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जस्ट इसको जो है वो हम करेंगे कट करेंगे, एक्स्ट्रा को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे अपना लोगो लेके आएंगे, आउटलाइन को ऑफ कर देंगे और इसमें करते हैं कोई अच्छा सा कलर फिल। यहाँ पे एक है मेरे पास, एक कलर ये कर लेंगे। ओके दैट्स गुड। सेकंड में हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे,
और इसमें हम ये वाला कलर फिल करेंगे, और इसकी जो वाइट है वाइट की जगह हम लोग कोई और कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें से थोड़ा सा इस टाइप का कलर। ओके डन। अब इसमें इसको इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें कलर ये वाला फिल कर देंगे। अब इसके कलर की थोड़ी सेटिंग करेंगे, यहाँ करनी पड़ेगी हमें, तो ये थ्री डी टाइप लगे, ठीक है। तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं। ओके तो अभी हम देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है भाई लोगो। तो इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो गाइज मेरा लोगो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुका है, और यार आप लोग को जो है वो एक्सप्लेन करके भी बता दिया कि आप इस लोगो को कैसे क्रिएट करेंगे आपने। तो यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से शेडो। किस तरह मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे ब्लैक का फिल करें और यहाँ पे आएँ और एफएक्स में चलें और यहाँ पे स्टाइल्स में आएँ, फीदर को कम कर देंगे, ठीक है। तो फीदर को थोड़ा यहाँ पे हम लोग कम करेंगे, इतना काफ़ी है, और गो टू ऑब्जेक्ट और इसको एक्सपेंड कर लेंगे और इसको यहाँ पे कुछ यूँ क्रिएट कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है, तो इसको डुप्लीकेट कर लें। तो गाइज़ नीचे आप अपनी कंपनी का नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा एन मॉडर्न लगा लेटर लोगो जो है वो यहाँ पे बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। तो आप लोग को आइडिया भी दे दिया। तो आई होप कि इस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइज़ खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।